नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बनवाला गांव की जो सरसों का खरीद केंद्र बनाया गया है वहां पे मौजूद हूं, और यहां पे अमित सिहाग जो कि डबवाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं वो यहां पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। एक चर्चा चली थी कि बनवाला गांव में, मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से वसूल किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करूँ तो तमाम किसानों की एक समस्या है कि 2 क्विंटल 3 क्विंटल और 8 किलो 10 किलो 20 किलो सरसों किसानों से खरीद करने के नाम पे एक मजाक बनाया जा रहा है। तमाम विषयों पे विधायक जी से चर्चा करेंगे। अमित जी, सबसे पहला सवाल, किसानों के साथ बहुत ज़्यादा जातिक सरकार अगर हम कहें कर रही है, 8 किलो सरसों मंगवाई जा रही है, 16 किलो सरसों मंगवाई जा रही है, 60 किलो सरसों मंगवाई जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहें? मैंने इससे 2 दिन पहले भी जब निरीक्षण शुरू हुई थी और जब सही मायने में खरीद शुरू हुई थी और मैंने निरीक्षण करना शुरू किया था तो ये मुद्दा उठाया था। कल भी मैंने ये बात रखी थी कि कहीं ना कहीं सारा जो सरकार कहती है कि एक एक दाना खरीदेगी, दाना जब खरीदेगी, जब तालमेल होगा, जानकारी होगी सही तरीके से और संसाधन होंगे, और आज की तारीख में तीनों चीज़ों की कमी है। मैंने सही मायने में जब 15 तारीख को शुरुआत हुई, यहाँ आप जो 8 किलो की बात कर रहे हैं सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, 8 किलो 10 किलो 2 क्विंटल 5 क्विंटल इस तरह की बात है। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इसकी शिकायत दर्ज की थी और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि कम से कम 20 क्विंटल का एक दिन में सुधार कर दिया जाएगा, 20 क्विंटल का यहाँ पर आने वाले समय में जो टोकन दिया जाएगा, 20 क्विंटल से कम का टोकन किसी को नहीं दिया जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मैं आशा करता हूँ सरकार अपनी बात पर खरी उतरेगी। वहीं मैंने मॉइस्चर का मुद्दा भी उठाया था कि बहुत सारे किसानों को बाहर गेट के बाहर से ही उनकी ट्रॉलियों को वापस लौटाया जा रहा है मॉइस्चर ज़्यादा होकर बताकर, और ये आज की जो स्थिति है सरकार को चाहिए कि इसमें रियायत दे सही मायने में, और अगर जानकारी भी जो किसान को देनी देती है सरकार कि एक दिन पहले जानकारी देती है कल मंडी में अपनी फसल को लेकर आए, ये 4 या 5 दिन पहले देगी तो किसान उसको पूरी तरीके से सुखा कर लेके आएगा। यहाँ पर पंखे की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी ताकि अगर किसी के में थोड़ा सा मॉइस्चर है उसको सुखाने का काम भी यहाँ पे डेरी लगाकर कर सके। तो ये कुछ समस्याएं हैं, और मेरे लिए सबसे जो गंभीरतापूर्वक बात सरकार को समझने की ज़रूरत है, जब अर्थव्यवस्था की बात करती है, आप सभी लोग जानते हैं आज की तारीख में पूरी अर्थव्यवस्था बंद है, ठप है, केवल एक जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो किसान है, वो आज की तारीख में अर्थव्यवस्था को उठा सकता है, क्योंकि आज वही एक चीज़ जो है वो चल रही है। अगर किसान की मदद आज सरकार करेगी तो सही मायने में मैं मानता हूँ देश भी आगे बढ़ने के, दोबारा खड़ा होने के कगार पे आ सकता है। सर, एक बात अगर बात करें तो बनवाला गांव में, और अभी मुझे सूचना मिली थी कि बनवाला ही नहीं बल्कि आसपास की तमाम जितनी भी मंडियां हैं वहां पे किसानों से खरीद के नाम पर, तोल के नाम पर 50 से 60 रुपये और इवन तक 100 रुपये तक लिए जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सरासर इसको गलत मानता हूँ, हालांकि मैं इसी जानकारी के लिए मैंने हर मंडी में जाकर पूछ भी रहा। मैं अभी हैबुवाना से आया हूँ, ओडा से आया हूँ, रसालिया से आया हूँ, नुयावाली में भी जो समस्या उसको देख रहे हैं, तो वहाँ पर किसानों ने कहा कि हमारे साथ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर बनवाला में ऐसी कोई शिकायत पाई जाती है तो मैं अधिकारियों को भी ये जताकर चेतावनी देकर जाना चाहूँगा कि इस तरह की कोई समस्या किसानों के साथ खेल नहीं होना चाहिए। आज की तारीख को किसान को आवश्यकता है, ज़रूरत है कि सरकार और सभी का सहयोग मिले। अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसकी शिकायत मैं प्रशासन और मुख्यमंत्री के समक्ष भी करने का काम। सर, बनवाला गांव के अंदर ऐसी शिकायत पाई गई है, बकायदा मैंने एक रिपोर्ट फाइल की है, उसमें किसानों ने साफ तौर पे कहा है कि 50 रुपये लिए जा रहे हैं और 50 तो से घटा करके 35 रुपये कर दिए। अभी जो यहाँ पे अधिकारी जिनको इंचार्ज बनाया गया है तो अभी इनसे बात करके इसके ऊपर पूरी सख्ताई से ताकि कार्रवाई हो और आगे इस तरह की कोई परिस्थिति ना पैदा हो कि किसी का पैसा, किसान से पैसा लिया जाए इसके लिए। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे अमित सिहाग अभी हमारे साथ मौजूद थे, तो अमित सिहाग का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरह से अगर किसानों से इस तरह की पैसे लिए जाने की मांग है या बात सामने आती है तो वो अधिकारियों की खिंचाई करेंगे और इसके साथ साथ शिकायत करेंगे उनकी, और मुख्यमंत्री जी से भी उनकी शिकायत करेंगे ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। और अगर बात करूं तो किसानों से जिस प्रकार से 8 किलो 10 किलो 15 किलो सरसों जो है मंगवाई जा रही है, इस पर अमित सिंह का कहना है कि इन्होंने सीएम ऑफिस में बात की है, सीएम साहब से बात की है, तो एक आश्वासन उनको मिला है कि 20 क्विंटल किसी भी किसान से 20 क्विंटल से कम की जो सरसों है वो नहीं खरीदी जाएगी, नहीं मंगवाई जाएगी।
ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या अभी आदित्य देवीलाल से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक किसान की सरसों खरीदी जाएगी, अमित सिहाग विधायक ने भी कहा, तो क्या मुख्यमंत्री जी ये फैसला कब से लागू करने वाले हैं? 2 क्विंटल सरसों लेकर के आने वाले किसानों को 23 क्विंटल सरसों या 18 क्विंटल सरसों और लाने का कब ऐलान किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।